अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सीड ऐप में आने वाले एक न्यू ट्रिक की, जिसके ज़रिए हम एक दिन में 0.5 जो है ना वो सीड कलेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप पे काम करने से हमें पता चला है कि ऐप बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है, क्योंकि जब भी हम इस पे काम करते हैं हमें एक दिन का 0.001 इस तरह का कुछ मिलता है सीड, जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अब एक न्यू ट्रिक आ गया जिसके ज़रिए हम एक दिन का 0.5 कलेक्ट कर सकते हैं, और उस ट्रिक को अगर हम ज़्यादा करते जाएँ तो उसमें जो न्यू पॉइंट्स आएंगे, टास्क आएंगे, उसके ज़रिए हम एक दिन में एक सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। इसको देखें, यहाँ पे पहले 10 सीड है हमारे पास। अगर इस ट्रिक को मैं 2-3 दिन मतलब रेगुलरली यूज़ करते, ये बहुत आगे चले जाएंगे। तो इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में देखिए ये 3 ऑप्शन हमारे पास, वॉर्म्स होते हैं, एग्ज़ और बर्ड्स। वॉर्म्स पहले सेल होते थे, बाद में इन्होंने सेल करना बंद कर दिए थे। इसलिए सेल करना बंद किए थे कि इन्होंने न्यू ऑप्शन लॉन्च करना था जिसमें बर्ड्स को हमने यूज़ करना था। अब वॉर्म्स को छोड़ दें, आप चले जाएँ एग्ज़ पर। एग्स पे देखिए एक बेसिक एग है, ये सबको मिलेगा, ये फ्री में मिलेगा। इसको क्लिक करना है, ये बेसिक एग हमें मिल गया है, इसको हैच करना है। ये हैच हो गया, मतलब एग था उसमें से बर्ड हमारे पास एक आ गया। यहाँ से आपने इसको बर्ड ले लेना है, फिर इसको फीड भी करवाना है। ठीक है, फीड के लिए पहले ये 0/100 है, इस पर चले इसको इस तरह से थोड़ा सा ना खराब, इसको थोड़ा सा ना यूँ करना है, मतलब सॉफ्टली जेंटली इसको थोड़ा सा करते रहें आप। ये परसेंटेज देखिए ऊपर जा रही है आहिस्ता से ऊपर, इसके लाइक अप एंड डाउन में इसको ना स्लाइड करना है फिंगर के साथ। ये 100% हो गया। अब ये भूखा है, इसको खाना भी खिलाना है। अब मैं आपको ये तो बताया नहीं कि जो बर्ड है इसका काम, कि इसका बर्ड का काम ये कि हमारे लिए हंटिंग करेगा, मतलब ये हमारे लिए हंटिंग इस तरह से करेगा, हमारे लिए बर्ड्स भी बनाएगा और सीड्स को भी कलेक्ट करके हमें खुद देगा। जो काम हम लाइक जैसे छोड़ देते थे एक दिन में 0.005, कितने 0.001 मिलता था बहुत टाइम के बाद, ये वही वाला, मतलब ये एक किस्म का ऑटो बोट है। जैसे बाकी ऐप्स में बोट होते हैं, यहाँ पे ये स्पैरो जो है, ये एक बर्ड जो है, ये ऑटो बोट का काम करेगा। ठीक है, इसकी परसेंटेज 100 हो गया, इसको हमने खुश कर दिया। अब इसको फीड करवाना है। ये वो वाले जो हमने सेल नहीं किए थे, हमारे पास बच गए थे। ठीक है, इसको सेल करवाना है, इसको खिलाना है, बल्कि यहाँ से वापस आएंगे, इसको खिलाना है। इसको मैं ये वाला खिला देती हूँ, एक ब्लू वाला, ये मेरा 0 हो गया। यू विल वेस्ट 18 एनर्जी इफ़ यू फीड इट विद दिस वॉर्म आर यू श्योर। ठीक है, ये इसको शोर कर दें, काट। अब देखें ये 0.,  बल्कि मैंने वापस कर दिए, शोर करने से वापस हो गया। मैं इसको ये वाला खिला रही हूँ, ये 2 खिलाने हैं इसको। अब इसे भूख लगी है, इसे खाना खिलाना है हमने, जिसके ज़रिए काम करेगा। इसको पहले ये वाला खिलाती हूँ मैं, 1.02 लिखा हुआ है, इसको खिलाने 2 हैं। फीड बर्ड सक्सेसफुली हो गया, मैंने ये इसको 2 खिला दिए हैं, मैंने इसको 2 खिला दिए थे, 2/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, बेबी स्पैरो हमारा, इसका पेट भर गया। स्टार्ट हंटिंग पे जाएंगे, इसको हंट कर दिया। देखिए 12 घंटे के बाद हमें 0.5 मिलेगा, जो कि हमें डेली बेसिस पर 0.0001 मिलता था, अब वो हमें 0.5 मिलेगा। यहाँ से आपने वापस आ जाना है। जब आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे ना, ये देखिए ये अब स्क्रीन पे आ गया है। अब मैंने रिफ्रेश करके दिखाया, ये यहाँ पर स्पैरो आ गया बाहर। अब 11 घंटों के बाद इसने हमें कलेक्ट करके सीड्स खुद ब खुद दे देने हैं। बाकी ये होगा कि इन्वेंट्री में जाएंगे, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे एग्स और भी आएंगे, न्यू एग्स आएंगे, वो इस तरह से आएंगे। ये बोट है ना, इस पर क्लिक करना है हमने। यहाँ से हमने टिकट्स कलेक्ट करने होते हैं, टिकट्स एग्स स्पिनर होता है, जहाँ से हमें एग मिलेगा। मतलब अभी हमारे पास बेसिक एग है, जैसे ही हम एग को अपग्रेड करेंगे तो वही स्पैरो, वही बर्ड जो हमें इस टाइम 0.5 देगा सीड, वो हमें एक दिन का 1 सीड भी देगा, एक दिन के 2 सीड भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके जो एग है ना उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। तो यहाँ पे यहाँ से टिकट्स कलेक्ट होने हैं हमने। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, इस पॉइंट के अलावा भी एक पॉइंट था टिकट के अलावा। इस बोर्ड का काम जो मैंने दिखाया आप लोगों का, वो यही था कि यहाँ से हमें टिकट्स मिलेंगे। अब इसको काट देना है, टिकट्स अभी नहीं, अभी वहाँ पे बने नहीं। यहाँ से टिकट्स को आपने कलेक्ट करना है और वहाँ जाके लगाने हैं, आपको न्यू बर्ड मिल जाएगा। क्लेम 1 टिकट जो है ये हमारे पास हो गया है। देखिए क्लेम स्ट्रीक रिवार्ड सक्सेसफुली, मेरे पास 2 टिकट्स है जिसकी वजह से मुझे बेसिक मिला है। आहिस्ता से जब ये सारे टास्क कंप्लीट करती जाऊँगी तो डे 7 तक जाएंगे, फिर हमें न्यू बर्ड मिलेगा, उसको हम हैच करेंगे। उसमें से जो बर्ड निकलेगा वो इससे ज़्यादा तेज़ होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से सीड्स को कलेक्ट करेगा। तो ये देखिए हमारे पास 11 तो अभी हो गए हैं, 10 पे स्टार्ट किया था हमने, 11 सीड्स हो गए हैं आई थिंक, ये वैसे कलेक्ट हुए हैं। इसमें अभी इसका काम रहता है, तो मार्केट में जाएंगे हम यहाँ से,
यहाँ पे एग्स जो हैं ये आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, हमारी अभी इतनी रेंज नहीं है कि हम इन लोगों को बाय कर लें, तो इसको छोड़ देना आपने। ये आप आहिस्ता आहिस्ता जब टिकट्स कलेक्ट करते जाएंगे तो आप इसको यूज़ करते जाएंगे, और उसको डेली का जो भी वो मांगे, जैसे यहाँ पे वार्म से कभी दो आ जाएगा, मोस्टली दो ही आएगा, दो के दो खिलाते जाएँ, इसको थोड़ा सा हैप्पी करें, और 12 घंटों के बाद अपना 0.5 और बाद में इंशाल्लाह 2-1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमें।